नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कोल्हाड़ी से युवक का सिर काट 150 फीट दूर फेंका, गले पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमला, बस स्टैंड कट, आरोपी गिरफ्तार, इंटरनेट बंद। बस स्टैंड की तरफ घूमने गए युवक को सरेआम कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी ने युवक को गले पर ताबड़तोड़ वार कर सिर को धड़ से अलग कर दिया और हाथों में उठाकर करीब 150 फीट दूर ले जाकर पटक दिया। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामला जालौर जिले के आहोर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार पादरली गाँव निवासी किशोर सिंह उम्र 23 वर्ष, पुत्र मोहब्बत सिंह भूमिया राजपूत शाम करीब 6:30 बजे घूमने के लिए बस स्टैंड की तरफ गया था। इस दौरान आरोपी सांकला राम उम्र 50 वर्ष पुत्र खीमा राम भील अपने घर के पास माताजी मंदिर के पास बने चबूतरे पर बैठा था। किशोर सिंह को आते देख सांकला राम खड़ा होकर बाइक पर बैठ गया। इसके बाद किशोर सिंह के पीछे की तरफ जाकर बाइक रोकी और बाइक से बांध कर रखी कुल्हाड़ी को खोलकर किशोर सिंह के गले पर पीछे से वार कर दिया। हमले के बाद किशोर सिंह जमीन पर गिर गया। आरोपी ने किशोर के गले पर ताबड़तोड़ 3 और वार कर सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद भी आरोपी का मन नहीं भरा तो धड़ से अलग सिर को हाथों में उठाते हुए 150 फीट दूर ले जाकर फेंक दिया और फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। इधर सरेआम गला काट कर हत्या करने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को शव नहीं उठाने दिया और पहले आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। पुलिस ने देर रात को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसने हमले में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद कर ली। पुलिस ने देर रात को शव को आहोर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। डीएसपी रतन देवासी ने बताया कि मृतक के खिलाफ नकबजनी, चोरी, सेंधमारी के कुछ मामले दर्ज थे। आरोपी और मृतक दोनों एक ही गांव के हैं। दोनों के करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर कट, दोनों के घर करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए हैं। जहां पर घटना हुई है वहां आरोपी का घर है। आरोपी सांकला राम भील इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का काम करता है और उसकी पत्नी गांव में सब्जी बेचती है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों आरोपी सांकला राम के बीच ऐसा कोई विवाद भी सामने नहीं आया है। पूरे परिवार को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े ग्रामीण, मृतक किशोर सिंह के पिता की बचपन में और मां की करीब 10 साल पहले मौत हो चुकी है। भाई काम के लिए बाहर रहता है, ऐसे में किशोर गांव में घर पर अकेला ही रहता था। किशोर सिंह की हत्या हुई थी उस दौरान पास ही किराना की दुकान पर एक महिला बैठी थी, वो डर कर भाग गई। वहीं आसपास के लोग भी आरोपी के पास में नहीं आए। घटना के बाद आरोपी के घर के सदस्य भी फरार हो गए हैं। घटना के बाद पूरा गांव मौके पर एकत्रित हो गया है। ग्रामीण आरोपी सांकला राम समेत पूरे परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। कलेक्टर निशांत जैन ने देर रात इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी किए और आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की है। एसपी किरण कंग सिद्धू ने भी मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज जागरूक भारत।